नौसरीन अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। गोदन अम्बेले की जानिब से एनडीए सर मुलाजमीन में राशन किट्स की तकसीम। मुलाजमीन की यूनियन ने दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि एमएलए गोदन हर नाजुक लम्हे में साथ देने तैयार रहते हैं। हरित आरम के पौधे अदम निगहदाश्त और बेतवज्जही की वजह से तबाह। मौजे नारम के सरपंच की बरहमी, उन्होंने किसानों पर जुर्माने आयद किए, कहा कि ये पौधे मुस्तकबिल में हमारे लिए अहमियत के हामिल थे। ईद उल फितर की नमाज की इजाजत दी जाए, मजलिसी कायद रफत मोहम्मद खान की रियासती वज़ीर आला से नुमाइंदगी। उन्होंने सवाल किया कि जब तमाम तिजारती सरगर्मियां जारी हैं तो फिर नमाज की इजाजत क्यों नहीं। हैदराबाद में अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। पहली बार देखा गया कि मुस्तहिक अफराद को इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया गया और इनमें राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। अब खबरें तफसील से। बोधन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। मुलाजमीन यूनियन के सदर रवि गौड़ ने एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हमेशा नाजुक हालात में एमएलए मदद के लिए आगे आते हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर हमेशा ही लोगों की मदद के लिए पेश रहते हैं, बिलखसूस अपने हल्के बोधन में इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन के बाद से उन्होंने बड़े पैमाने पर अवाम की मदद की। रोजाना दोपहर और शहर के वक्त पर 3000 अफराद के खाने का नज्म किया और 10000 के करीब राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। बोधन की मशहूर शुगर फैक्ट्री निजाम दक्कन शुगर लिमिटेड को अचानक ही बंद कर दिया गया और इस फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों अफराद अचानक ही बेरोजगार हो गए। इस लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों के हालात भी इंतहाई दिगरगु हो गए। आज बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर इनके भाई मोहम्मद सोहेल ने इन फैक्ट्री मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। फैक्ट्री मजदूर यूनियन के कायद रवि गौड़ ने एमएलए बोधन से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर हमेशा इन नाजुक मौके पर मदद के लिए आगे आते हैं और वो एक मिसाली एमएलए है। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायद अब्दुल रज्जाक भी मौजूद थे। एमएलए शकील गारू, अरे करोना वल्ल कार्मिकुलु चाला इब्बंदुल्लो उन्नारु, आर्थिक इब्बंदुल्लो तिनडानिकि कूडा अवस्थलो पडुतुन्नारु काबट्टि शकील गारिकि मन रजाक गारु फोन चेसि चेप्पडं जरिगिंदि। नेनु कूडा ओकसारि गुर्तु चेयडं जरिगिंदि, अला गुर्तु चेयडगानने स्पंदिंचि मरि दादापु 60 मंदि कार्मिकुलु स्थानिकंगा उन्न कालनी मरि बोधन पट्टणंलो उन्न कार्मिकुलंदरिकि कूडा నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరిగింది। వారికి మా కార్మికుల పక్షాన అందరి తరఫున మా కుటుంబాల పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాము। రఫత్ మొహమ్మద్ ఖాన్ కి కామయాబ్ నుమాయిందగీ। D54 కినాల్ కి హంగామే సఫాయి। D54 కినాల్ బారిష్ కే పానీ కి నికాసీ కా అహమ్ జరియా హై। అదమ్ సఫాయి పర్ యే కినాల్ ముసీబత్ కా సబబ్ బంతీ హై ఔర్ ఇస్మే దాఖిల్ హోనే వాలా పానీ बहाव न मिलने से अहमदपुरा कॉलोनी में दाखिल होता है। मौसम में बरसात का अनकरीब आगाज होने वाला है और बारिश के पानी की निकासी का अहम जरिया D54 किनाले। हाल ही में कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल से साबिक कॉर्पोरेटर व मजलिसी कायद रफत मोहम्मद खान ने नुमाइंदगी करते हुए इस किनाल की हंगामे सफाई का मुतालिबा किया था, क्योंकि D54 किनाल में भरे हुए कचरे के मलबे की वजह से बारिश के पानी के बहाव में रुकावट पैदा होती है और ये पानी नालियों के गंदे पानी के साथ अहमदपुरा कॉलोनी में दाखिल हो जाता है और वहाँ की सूरत हाल किसी झील की तरह हो जाती है। कमिश्नर बल्दिया ने रफत मोहम्मद खान की बात को गौर से सुना और तयक्कुन दिया था कि जल्द ही इस D54 किनाल की हंगामी बुनियादों पर सफाई करवाई जाएगी और फिर महकुमा बल्दिया की जानिब से बड़े पैमाने पर लेबर्स लगाते हुए D54 किनाल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। किनाल जितनी गहरी है इतनी गहराई तक से मलबे को निकालने की लेबर्स को हिदायत दी गई। इस किनाल की सफाई से आइंदा मौसम में बरसात में अहमदपुरा कॉलोनी की आवाम को बहुत हद तक राहत मिलेगी। आज ये D54
किनाल से हटकर D54 ड्रेन बन चुकी है और ये D54 कई सालों से साफ सफाई ना होने की वजह से ये भरी हुई थी, सील भरे हुआ था और इसकी बार बार हम नुमाइंदगी कर रहे थे कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से और मुकामी अर्बन MLA गणेश गुप्ता साहब से ये D54 साफ सफाई के बारे में बार बार नुमाइंदगी की गई थी और आज से 4 दिन पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि टेंडर हो चुका है, कंट्रैक्टर लेबर की कोशिश में है, लॉकडाउन होने की वजह से लेबर नहीं थे उनके पास, तो आज एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले ये D54 किनाल का जो ड्रेन बन चुकी है उसका सील निकालने के लिए काम स्टार्ट हुआ है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बरसात से पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा। नमाज ईद उल फितर और दीगर नमाजों की इजाज़त देने सीनियर मजलिसी कायद रफत मोहम्मद खान का रियासती वजीर अला KCR से मुतालिबा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस की शर्त के साथ ये इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने सवाल किया कि तमाम तिजारती सरगर्मियां उरूज पर है तो फिर नमाज की इजाज़त क्यों नहीं। जिले निजामाबाद के खदावर मजलिसी कायद व साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान ने रियासती वजीर अला KCR से अपील की कि वो ईद उल फितर की नमाज के लिए ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दे और मुस्लिम तबके को रूहानी मसरत से हमकिनार करे। सीनियर कायद ने कहा कि रियासत में तमाम बाजार खुले हैं, कारोबार उरूज पर है, अवाम का हुजूम सड़कों पर है, हत्ता के शराब की दुकानें भी खोली जा चुकी है, लेकिन सिर्फ मजहबी मकामात पर इबादतों की इजाज़त ना देना अफसोसनाक बात है। उन्होंने रियासती वजीर अला KCR से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंस के साथ नमाजों की अदायगी, बिलखसूस नमाज ईद उल फितर की अदायगी की इजाज़त दे ताकि मुस्लिम तबका ईद की सही मसरतों से सरशार हो सके। आज COVID-19 के हालात से हम निजामाबाद को संभलते हुए देखे हैं और तेलंगाना में ये मर्ज के ताल्लुक से देखे हैं कि रेड जोन से जो आज ग्रीन जोन में आ चुका है निजामाबाद और तेलंगाना में कुछ इलाकों में शॉपिंग भी ओपन की गई और कुछ बिजनेस भी चालू हुआ है और वाइन्स की दुकानें भी खुल चुके हैं और थोड़ा कंट्रोल है तेलंगाना में एक COVID-19 वायरस की वजह से वायरस कुछ कंट्रोल में है और मैं तेलंगाना CM साहब से अपील करता हूँ कि हमारे ये मुकद्दस रमज़ान के महीना गुजरने के बाद ईद उल फितर की नमाज का हमें ईदगाह में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और मैं इसलिए भी बोलना मुनासिब समझ रहा हूँ कि ये COVID-19 कोरोना वायरस के जो हालात आज से एक महीना डेढ़ महीना पहले जो हालात थे, आज जब लॉकडाउन था जो मार्केट बंद था, आज मार्केट पूरा ओपन है, तकरीबन शॉप्स खुले हैं, उस हिसाब से मस्जिदें बंद रहना भी मायूस बात दिख रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकली कुछ वायरस के ताल्लुक से जानते हुए कुछ गवर्नमेंट ने हिदायत दी, लेकिन हम आप CM साहब से गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि ईद उल फितर के लिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए ईदगाह में परमिशन दी जाए। ईद उल फितर के पेश नज़र नौजवान मजलिसी कायद शहजाद मिर्जा ने अपनी जानिब से किट्स तैयार करवाए हैं जिनमें सवैया और मगजिया शामिल है। जल्द ही इन किट्स को मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किया जाएगा। शहजाद मिर्जा ने साहिब इस्तेदाद अहबाब से आगे आने और गरीब अफराद की मदद करने की अपील की। नौजवान मजलिसी कायद शहजाद मिर्जा ने अपनी जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र राशन किट्स तैयार करवाए हैं जो कि गरीब मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। शहजाद मिर्जा नौजवान मजलिसी कायद है, वो हमेशा ही खिदमत खल्क के कामों में सरगर्म रहते हैं। वो अपने रुफा के साथ लॉकडाउन के नफाज से ही मुसलसिल गरीब अफराद में खाने की तकसीम के काम में अहम रोल अंजाम दे रहे हैं। बेशुमार गरीब खानदानों तक शहजाद मिर्जा और इनके रुफा मुसलसिल खाने की तकसीम का नज्म करते रहे। ईद उल फितर के पेश नजर
उन्होंने अपनी जानिब से सेवैया और मगजियात पर मुश्तमिल किट तैयार किए, जिनकी जल्दी गरीब अफराद में तकसीम अमल में लाई जाएगी। शहजाद मिर्जा ने कहा कि लॉकडाउन के नफाज से लोग बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। हजारों ऐसे खानदान हैं जिनके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे गरीब खानदानों को ईद की खुशियां फ्राहम करने की मुमकिन कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने साहिब सदात अहबाब से दरख्वास्त की कि वो अपने अपने इलाकों में ऐसे लोगों की मुमकिन मदद करे। बेसरू सामान के आलम में पैदल सफर करने वाले मजदूरों की खिदमत करते हुए मुझे दिली सुकून मिलता है। गुज़िश्ता 55 दिनों से बेलोस खिदमत अंजाम देने वाली बालकोंडा के मुक्काल की रहने वाली आमिना बेगम का एहसास, वो गुज़िश्ता 55 दिनों से अपने खर्च से लोगों को खाना खिलाती आ रही है। आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम, जो बालकोंडा मंडल के मौजे मुक्काल से ताल्लुक रखती है, वो गुज़िश्ता 55 दिनों से, जब से लॉकडाउन नाफिज हुआ है, गरीब अफराद और लेबर्स जो हैदराबाद से पैदल चलते हुए अपने वतन को वापस जा रहे थे, इनके लिए खाने का इंतजाम करती आ रही है। गुज़िश्ता 55 दिन से एक खातून होते हुए आमिना बेगम ने अपने जाती खर्चे से जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिले फरामोश है। आज भी इन माइग्रेट लेबर्स को वतन ले जाने वाली गाड़ियां इनके घर के पास रोकी जाती है और वो इनके लिए खाने, चाय, बिस्किट्स और फलों का इंतजाम करती है और इनकी दुआएं लेती है। आमिना बेगम का कहना है कि ये लोग इंतहाई मुश्किलात व मुसीबतों का सामना करते हुए पैदल चलकर तवील सफर तय कर रहे हैं। इनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं और जेबों में पैसे नहीं होते, वो इंतहाई बेसरू सामानी के आलम में सफर कर रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद करते हुए मुझे दिली सुकून मिलता है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इसका बेहतरीन अज्र देगा। हरित हारम के पौधों के तहफ्फुज़ में नाकामी पर किसानों पर जुर्माने, नंदीपेट मंडल के मौजे अन्नारम के सरपंच का इकदाम। उन्होंने कहा कि दरख्त आलूदगी को दूर करते हैं और बारिश का जरिया बनते हैं। उनकी अदम निगहदाश्त अफसोसनाक बात है। नंदीपेट मंडल के मौजे अन्नारम के सरपंच ने हरित हारम के पौधे के अदम तहफ्फुज़ पर किसानों पर जुर्माने आयद किए। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने हरित हारम के नाम से एक अहम स्कीम को मुतारफ करवाया, जिसके तहत लाखों की तादाद में करोड़ों रुपयों के खर्च से पौधे लगाए गए और इन पौधों के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी मकामी अफराद के जुम्मे दी गई थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को अदा करने में ये लोग नाकाम हो गए, लिहाजा इन पर जुर्माने आयद किए गए। सरपंच ने बताया कि दरख्त हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इन दरख्तों से फिजाई आलूदगी का खात्मा होता है और साथ ही इन दरख्तों की वजह से ही बारिश होती है, लिहाजा दरख्तों के लिए पौधों की अफजाइश लाजमी है और इनकी अफजाइश के लिए इनका तहफ्फुज़ और निगहदाश्त भी जरूरी होती है। रियासती हुकूमत ने किसानों को ट्रैक्टर फ्राहम किए, बर्फी और पानी की सहूलत फ्राहम की, खर्जाजात और इमदाद फ्राहम की, इसके बदले इन पौधों के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी दी, जो आगे चलकर खुद किसानों के लिए फायदा मंद साबित होते हैं। लेकिन ये किसान इन पौधों के तहफ्फुज़ में नाकाम साबित हुए, लिहाजा जुर्माने आयद किए गए। ఇప్పుడు మనకు మనిషి జీవించాలంటే ఫస్ట్ చెట్ల అవసరం. చెట్ల గురించి మన కేసీఆర్ గారు ఎన్నో వెయ్యిల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనకు ట్రాక్టర్లు ఇచ్చిండు, నీళ్ళు ఇచ్చి నీళ్ళు ఓపిస్తున్నాడు, జీతాలు ఇచ్చిండు, డ్రైవర్లు పెట్టమంటున్నాడు. ఎన్ని ఖర్చు పెట్టినా మనం తక్కువని, మనము తెలంగాణ పచ్చదనంగా కావాలంటే మనము హరితహారం మొక్కలను ఫస్ట్ రక్షించుకోవడమే మన ప్రధాన లక్ష్యం. ఆ చెట్ల ద్వారా మనకు వర్షాలు నీడనిస్తుంది, వర్షాలు కావాలా, మనకు పొలం పంటలు పండాలంటే వర్షాలు ముఖ్యం. ఆ చెట్లు పెరిగితేనే వనంలా ఉంటేనే మనకు వర్షాలు. అందుకోసం కేసీఆర్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మనము సక్రమంగా పనిచేసి ఆ చెట్లను రక్షించుకోవడమే మన బాస్వాడకే ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ కే తల్బాకి జానిబ్సే సఫాయి మజ్దూరుమే చావల్ కి తక్సీమ్ సాబిక్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బాస్వాడకే హాతో చావల్ కి తక్సీమ్ అమల్ మే ఆయి। उन्होंने तलबा की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। बांसवाड़ा मुस्तकर के ऑक्सफोर्ड स्कूल के तलबा की जानिब से सफाई मजदूरों में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। इन तलबा ने 10 सफाई मजदूरों में फीकस 10 किलो चावल तकसीम किए। इस प्रोग्राम में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन गुरु विनय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों सफाई मजदूरों में चावल तकसीम किए गए। उन्होंने तलबा की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इन तलबा ने क्विंटल चावल की तकसीम की है और वो भी इन सफाई मजदूरों में, जो खुद को गंदगी से आलूदा करते हैं लेकिन समाज को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने मुतवस्सित और गरीब तबके को मुश्किलात का शिकार बना दिया, लाखों लोग बेरोजगारी का शिकार बन चुके हैं। इन हालात में साहिबे इस्तेदात लोग मुमकिन तौर पर इनकी मदद कर रहे हैं। इनमें स्कूल के तालिबे इल्म भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने इस्तेदात के लिहाज से सफाई मजदूरों में चावल की तकसीम अमल में लाई है।
కనిపించని భూతాన్ని మరి మానవత దుఃఖంతో ఎందుకంటే గత మూడు నెలల నుండి ఎంతో మరి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి పారిశుద్ధ సిబ్బంది అందులో ముఖ్యంగా కాంజర్స్కు మరి ఈరోజు మన ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ అయినటువంటి బాన్సాడ అందులో విద్యార్థి కూడా స్కూల్ అయినటువంటి విద్యాసంస్థ వారు ప్రత్యేకంగా మరి వాళ్ళని గుర్తించి ఒక్కొక్కరికి 10 కిలోల బియ్యం చొప్పున వారికి అందడం జరిగింది. నిజంగా ఇది ఎంతో మంచి కార్యక్రమం. मुल्क में तरक्की के नए हमवार करने वाले साबिक वजीर आजम राजीव गांधी थे. इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता. मोसरा यूथ कांग्रेस कायदीन का एहसास. उन्होंने अनजाने वजीर आजम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और मरकजी हुकूमत से खुसूसी स्कीम के आगाज का मुतालिबा किया. जिले निजामाबाद के मोसरा मंडल मुस्तकर पर यूथ कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर आजम अनजाने राजीव गांधी की बरसी के मौके पर 20 गरीब अफराद में फीकस 200 रुपए की तकसीम अमल में लाई गई. इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायद ने कहा कि मुल्क की मौजूदा तरक्की साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की ही देन है. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अशिया बिलखसूस कंप्यूटर को मुल्क में बरामद किया जिससे जबरदस्त इनकलाब बरपा हुआ और मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की यकीनी हुई. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता. उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो गरीब आवाम के साथ इंसाफ करे और इनको रोजाना 200 रुपए के असास पर महाना 6000 रुपए वजीफा मुकर्रर करे. यूथ कांग्रेस कायदीन ने कहा कि राजीव गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुल्क में तब्दीली की जरूरत है. मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है. मुल्क की तरक्की और सालिमियत के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई जमात नहीं है. उन्होंने राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की. स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी गारी युवजन कांग्रेस आध्वर्यंलो न्याय योजना पथकम उद्देश्य तो निरपेद रूपये चुपन मन मोसरा मंडल केन्द्र में मावंत सहाय का युवजन कांग्रेस तरफ इवे जी मुख्य उद्देश्य केन्द्र प्रभुत्म पथका अमल चेयर रोजुक निरपेद रूल रूपये अटे सुमार ने आर वे रूपये सहाय से बहुत उद्देश्य तो मावंत सहाय का रूपये मेम जी दी उद्देश्य ग्रामीण प्रां పట్టణ ప్రాంతంలో గాని ఈ పథకాన్ని అమలు చేసినట్లయితే నిరుపేదలు కొంచెం మూడు పూటలు తిండి తినడానికి అవకాశం ఉంటది. నాజరీన్ అవలేతే ఏక్ చోటా సా వక్ఫా మియారీ వ బెహతరీన్ ఇలాజ్ కే లియే జిలే కా సబ్సే మున్ఫరిద్ మర్కజ్ ఆశీర్వాద్ హాస్పిటల్. जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार वो माहिर डॉक्टर हम आपकी खिदमत पर मौजूद रहते हैं. सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी. टीबी अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है. डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं. इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है. इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर एमजी नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माह डॉक्टर अरुणा करदोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है. हमारा पता नोट फरमाए आशीर्वाद हॉस्पिटल जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद. सेल फोन नंबर 9515116233 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462522322 और 220322 पर रक्त पैदा करें. हमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपना मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है. 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का चाह-ए-शाह एहतमाम किया जाता है. हम अक्साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है. खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुक शाहदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकादार खाने बस खमर कैटरिंग के. तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग डेकोरेशन वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं. तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत. डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897 4 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से. याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग. वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है.
अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर की हदूद में अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम। एक फंक्शन हॉल में गरीब व मुस्तहिक अफराद को इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया गया और फिर राशन किट्स इनके हवाले किए गए। इस तरह की तकसीम का यह मुनफरिद वाकया है जिसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। राजेंद्र नगर के हुदूद में कायद मुखरिना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। लॉकडाउन के नफाज के बाद से ही अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से मुसलसिल बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है और अकबरुद्दीन अवैसी बजात खुद इस तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और अपने हाथों से राशन किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। आज इनकी जानिब से 9 नंबर MM पहाड़ी और दीगर इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए गए और ये काम इंतहाई मुनज़्ज़िम अंदाज में अंजाम दिया गया। एक फंक्शन हॉल में कुर्सियां डालकर मुस्तहिक अफराद को इज्जत के साथ बिठाया गया और फिर इनके हाथों में खरीब ले जाकर राशन किट्स दिए गए। इज्जत व एहतराम के साथ राशन किट्स की तकसीम का ये पहला मामला देखा गया जिसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर मनसूबेबंद तरीके से लॉकडाउन नाफिज किया गया। अवाम की मदद के लिए हुकूमत के पास कोई मनसूबा नहीं था जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अली शब्बीर और फेरोज खान का बयान। नामपल्ली में इन कायदीन ने राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। हल्के असम्बली नामपल्ली की हदूद में कांग्रेस के मारूफ कायद फेरोज खान और इनके अहबाब की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक MP अंजन कुमार यादव के अलावा जवासाल कांग्रेसी कायद उस्मान मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन के हाथों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि फेरोज खान और इनकी टीम की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से मुख्तलिफ अवामी खिदमत अंजाम दी जा रही है। राशन किट्स की तकसीम के अलावा तिबी इमदाद और अद्वियात की फ्राहमी भी इनकी मिसाली खिदमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से लाखों खानदान मसाइल का शिकार है, ऐसे में इनकी मदद करना वक्त का अहम तकाजा है। इस मौके पर फेरोज खान ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गैर मनसूबाबंद तरीके से लॉकडाउन नाफिज किया गया और अवाम को मसाइल के अनबार में झोंक दिया गया। हुकूमत ने अवाम की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया जबकि सोनिया गांधी के अहकाम पर तमाम कांग्रेसियों ने माइग्रेट लेबर्स की हर जगह हर मौके पर मदद की है। जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारा फर्ज है हम वो निभा रहे हैं। और रही बात हमारी यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोलते आप और किसी एक की मदद नहीं हुई। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, अफसोस होता जो आपके और हमारे घर बनाए, जो नरेंद्र मोदी और पूरे BJP के घर बनाए, वो लोग आज रोड पे हैं और रोडों पे रोते जा रहे। बस का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, ट्रेन का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा। नामपल्ली हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 50 से 60 लाख रुपए से कंटिन्यू 60 दिन से मेडिकल, जिसको दवाई नहीं है दवाई दे रहे हैं, राशन नहीं है राशन दे रहे हैं, तरकारी नहीं है तरकारी दे रहे हैं, जो बीमार है उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, जो कोरोना में है उनको जाकर टेस्टिंग करा रहे हैं और सैनिटेशन से पूरे बस्ती को क्लीन कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं 500 डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन KCR के चमचे कोई नहीं है, सब भागे बेटे। और दूसरी भी एक पार्टी है मज़हब का नाम लेके आती है टाइम पे, ना BJP मज़हब का नाम बोलती है और MIM बोलती है, ये दोनों पार्टियां लापता है। कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद पुलिस मुलाजमीन ने इंतहाई जरूरत और फर्ज शनासी से अपनी खिदमत को अंजाम दिया जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग सोसाइटी ने गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन को तहनियत पेश की। गोलकोंडा पुलिस स्टेशन से वाबिस्ता पुलिस मुलाजमीन को तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग सोसाइटी की जानिब से जबरदस्त तहनियत पेश की गई। COVID-19 के मौके पर हालत पर काबू रखने और अवाम को तहफ्फुज फराहम करने के लिए पुलिस ने फर्ज शनासी से अपनी खिदमत अंजाम दी। हर तरफ कोरोना वायरस के खतरात मौजूद थे,
लेकिन पुलिस मुलाजमीन ने जानबाजी से अपनी खिदमत को अंजाम दिया, जिसको खत्ता नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग सोसाइटी की जानिब से गोलकंडा पुलिस स्टेशन के ओहदेदारान व मुलाजमीन पर गुलाब की पत्तियां निछावर की गई और इनको गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर SHO गोलकंडा ने इस इज्जत अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना फैमिली काउंसिल सेंटर पूरा मेंबर्स यहां पर PSP आए मौजूद है, अपने स्टाफ पूरे सब लोगों को COVID-19 में पुलिस का काम को अच्छा देख के पुलिस का ड्यूटी से कोविड कंट्रोल होगा, अभी मेंटेन हो रहा है, बल्कि वो खुद सेटिस्फाई होके PS को आके हम थोड़ा सबसे स्टाफ से मिलते बल्कि बोले थे, तो इसलिए हम तेलंगाना फैमिली काउंसिल ऑल द मेंबर्स को अपने सर्विस से रिकॉग्नाइज करने की वजह से उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन अम्बेले की जानिब से NDSF मुलाजमीन में राशन किट्स की तकसीम, मुलाजमीन की यूनियन ने दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि MLA बोधन हर नाजुक लम्हे में साथ देने तैयार रहते हैं। हरितारम के पौधे अदम निगदाश और बेतवज्जाही की वजह से तबाह, मौजे अनारम के सरपंच की बरहमी, उन्होंने किसानों पर जुर्माने आयद किए, कहा कि ये पौधे मुस्तकबिल में हमारे लिए अहमियत के हामिल थे। इधर फितर की नमाज की इजाजत दी जाए, मजलिसी कायद रफत मोहम्मद खान की रियासती वजीर आला से नुमाइंदगी, उन्होंने सवाल किया कि जब तमाम तिजारती सरगर्मियां जारी हैं तो फिर नमाज की इजाजत क्यों नहीं। हैदराबाद में अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से राशन किट्स की तकसीम, पहली बार देखा गया कि मुस्तहिक अफराद को इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया गया और इनमें राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।